हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे सेशन में। माय नेम इज अभिजीत मिश्रा, आई एम योर जी एजुकेटर। आप देख रहे हैं हमारी क्लास करंट अफेयर्स की। आई होप गाइस आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। शुरू करते हैं अपना सेशन। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है आपको हम देने वाले हैं, ठीक है? दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल मेंस का अभी तैयारी कर रहे हैं आप, तो हमारे पास आपके लिए एक बैच है। इसके अलावा IBBS क्लरिकल मेंस, मतलब प्री से लेके मेंस तक के लिए, मतलब बेसिक से हाई के लिए हमारे पास बैच है। आप हमारे सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर। आपको कोड यूज करना है हमारा AVP10 कोड, जिसके थ्रू आपको एडमिशन लेना होता है और आपको डिस्काउंट मिलता है यहाँ पे 10% का। तो AVP10 कोड, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा फिर से इस बार अनअकैडमी कॉम्बैट है हमारा संडे को, और अनअकैडमी कॉम्बैट में इस बार प्राइस जीतने का मौका फिर से आपके पास है। अगर आप फर्स्ट रैंक हासिल करेंगे तो एप्पल आईपैड मिनी, सेकंड प्राइस पर आपको एयरपॉड मिलता है, एंड थर्ड प्राइस पर JBL स्पीकर मिलते हैं। 36 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 50 मिनट्स के क्वेश्चन है, 50 मिनट्स के टाइम है आपके पास। और अगर आप टॉप रैंकर्स में आएंगे तो आपको यहाँ पे प्राइज मनी मिलता है, लेकिन इसमें भी आपको AVP10 कोड लगाना है इसमें एनरोलमेंट लेने के लिए, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपके आपके लिए हमारे पास CET प्रिपरेशन ऑफर भी है, बैंक SSC कॉम्बो ऑफर, आप इसको भी एनरोलमेंट ले सकते हो। और हम हाँ, बैंक का प्राइस बढ़ने वाला है, मेरे ख्याल से प्राइस बढ़ गया होगा, आपको प्राइस हम नहीं बता देंगे। नहीं बढ़ा होगा तो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कल की तरह वीडियो में करके, तो ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सेशन आज का, और आज का हमारा करंट अफेयर्स क्या क्या होगा उसकी हम बात करने वाले हैं आपसे, ठीक है। पहले हम बात करेंगे रिपोर्ट रैंकिंग इंडिसेस की, और यहाँ पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन हम लेकर आए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप्स इन द लिस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक राइटिंग ऑफ बैड लोन्स इन फाइनेंशियल ईयर 21। फाइनेंशियल ईयर 21 का मतलब यहाँ पर हम बात करें पिछले साल की, 2020 और 21 की बात करें, ध्यान से मेरी बात सुनना। लिखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप इन द लिस्ट ऑफ द PSB राइटिंग ऑफ बैड लोन्स इन फाइनेंशियल 21। दोस्तों, ये राइटिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, बैड लोन्स का मतलब क्या होता है, देखिए, जब कोई बैंक अपने बैड लोन्स की रिकवरी नहीं कर पाता, जब कोई बैंक अपने NPA की रिकवरी नहीं कर पाता है, जब कोई बैंक अपने NPA की रिकवरी नहीं कर पाता है, तो वो अपने लोन को राइटिंग ऑफ कर देता है। बट्टा खाता मतलब लॉस, मतलब वो जो लोन है वो लॉस में चला गया, अब वो रिकवर नहीं हो पाएगा। तो जब कोई बैंक ये काम करता है, रिटर्न ऑफ करता है या राइटिंग ऑफ करता है, तो उसका मतलब ये होता है कि बैंक ने उसे अपने लॉस में डाल दिया, बट्टे खाते में डाल दिया, कि अभी रिकवरी नहीं होनी है। और इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टॉप किया है। आइए पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक राइटिंग ऑफ लोन्स इन द फाइनेंशियल 21, फॉलोड बाय द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यानी पहले नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे नंबर पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए टॉप थ्री लिस्ट ऑफ द PSB राइटिंग ऑफ बैड लोन्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 21। अब देखो यहाँ पे, तो पहले नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 34,402 करोड़ रुपीज को रिटर्न ऑफ किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 16,983 करोड़ रुपीज, एंड पंजाब नेशनल बैंक थर्ड नंबर पे 15,877 करोड़ रुपीज इन बैंकों ने रिटर्न ऑफ कर दिया है, ठीक। तो क्या अगर टेक्निकली हम समझें तो क्या इससे बैंक को लॉस होता है? तो बैंक को लॉस तो है ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको शायद ये पता होना चाहिए, जब भी बैंक लोन बांटता है तो बैंक अपने लोन के अमाउंट पर कुछ ना कुछ प्रोविजन रखता है। इंटरव्यू वाले बैच के बच्चे शायद जानते हैं, मतलब मैं पढ़ाता हूं प्रोविजंस। प्रोविजन का मतलब हर लोन पर प्रोविजन होता है। जब तक लोन रहेगा तो उसका प्रोविजन बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, और जब ये पैसा रिटर्न ऑफ हो जाता है तो बैंक के लिए प्रोविजन फ्री हो जाता है, तो बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं प्रोविजन वाले फ्री होकर। तो लॉस तो है, लेकिन कुछ कई तरीकों से बैंक के लिए फायदे वाली बात भी हो जाती है, बिकॉज बैंक को ये पैसा जो प्रोविजन का होता है ना, बैंक का पैसा, वो बैंक को मिल जाता है, ठीक। दूसरी बात दोस्तों, आपको पता है कि मतलब हमारे देश में हर कंपनी, हर कॉरपोरेट को कॉरपोरेशन टैक्स देना पड़ता है ना, तो रिटर्न ऑफ ये क्या होता है, ये बैंकों का लॉस भी होता है, तो बैंक कहीं ना कहीं अपने टैक्सों को भी इससे बचा लेते हैं। हालांकि लॉस तो लॉस ही है, उसको हम जजमेंट कर नहीं सकते हैं, बस मैं आपको बता रहा हूँ बैंकिंग टर्म्स में, ठीक है, कि बैंक रिटर्न ऑफ करता है तो क्या उसको लॉस ही होता है? केवल लॉस तो है ही है यार, लेकिन मतलब थोड़ा सा प्लस पॉइंट भी आपको बता रहा हूँ कि इसका प्लस पॉइंट भी होता है इसका, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले नंबर पे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दूसरे नंबर पे, पंजाब नेशनल बैंक तीसरे नंबर पे, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों सुनिए, अब एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि टोटल रिटर्न ऑफ वैल्यू बाय द ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक,
यानी हमने टॉप थ्री बैंक की बात की। अगर हम टोटल बैंक की बात कर लें तो टोटल बैंकों ने 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों 1,31,894 1,31,894 करोड़ रुपीज का रिटर्न ऑफ किया। और एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टोटल रिटर्न ऑफ वैल्यू बाय द ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक इन द फाइनेंशियल ईयर 20 मतलब 2019-20 की बात करें, अगर यहां से हम कंपैरिजन करें तो यहां पर रिटर्न ऑफ ज्यादा है 1,75,877 करोड़ रुपीज। यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में तो मतलब थोड़ा सा कम हुआ है, 1,31,894 करोड़ रुपीस ये रिटर्न ऑफ हुआ है। तो एक इंफॉर्मेशन आपको हमने दे दी दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको ये न्यूज पसंद आई होगी और सारे पॉइंट आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। प्लस वन कर देना दोस्तों, प्लस वन, ताकि मुझे ये मालूम चल जाए कि आपको ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। अभिजीत पांडे हमारे बीच में नौराशि हमारे हैं और बोल रहे हैं कि प्लस वन, बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात है। नवीन शर्मा जी भाई मैं अच्छे बच्चे हैं, सलाम रॉकी भाई कैसे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा जी हैं फॉर 3 ईयर्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है, चरणजीत सुरेंद्र सिंह अत्रा जी हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड एंड पेमेंट सर्विस MD CEO रामा मोहन राव अमारा जी, SBI जनरल इंश्योरेंस MD CEO प्रकाश चंद्र कंडपाल जी, एंड SBI म्यूचुअल फंड एंड सी के मतलब MD CEO कौन है तो बिना टोन से सॉरी सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं न्यूज नंबर। यहां पे कुछ आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, रिवीजन पॉइंट। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और HDFC बैंक को कंटिन्यू किया हुआ है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में। दोस्तों डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का मतलब ये होता है कि अगर इन तीनों बैंकों में से कोई एक बैंक या दो बैंक या तीन बैंक अगर कभी बैंकरप्ट हुआ, दिवालिया हुआ, तो हमारी इकोनॉमी काफी बुरे हालात में चली जाएगी। तो इन तीनों बैंकों को कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डूबने नहीं देगा। टू बिग टू फेल लिखा हुआ ना, टू बिग टू फेल, कभी डूबने नहीं देगा। ये तीनों बैंक हमारी इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में तीन बैंक आते हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब यहां पर हम बात करेंगे NSO की, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, जो कि हमारे देश में नेशनल इनकम को या अनएम्प्लॉयमेंट को हमेशा कैलकुलेट करता है। NSO ने एक रिपोर्ट दी है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, इन्होंने बोला है वुमेन हैज कम डाउन फ्रॉम 5.1% इन 2018-19 टू 4.2% इन द 19-20। यानी अगर हम 2018-19 की बात करें तो 2018-19 में जहां हमारे देश में महिलाओं के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट 5.1% था, वहीं ये अनएम्प्लॉयमेंट कम होकर 4.2% हो गया इन 2019-20। अब देखो ये 19-20 का डेटा दिया हुआ, यानी कि अगर अभी बात करें तो अभी कंडीशन थोड़ी सी और बेहतर हुई होगी, लेकिन COVID-19 में तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। तो ये रेशियो बड़ा होगा, लेकिन मतलब COVID-19 को अगर हम छोड़ दें तो डे बाय डे वुमेन्स के बीच में भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होता जा रहा है, अच्छी बात है। तो NSO ने क्या बताया उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। NSO इट इज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे दोस्तों, तो अगर हम बात करें तो NSO ने एक सर्वे करवाया था, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ने एक सर्वे करवाया था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है कि भाई पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये सर्वे किसने करवाया, तो नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ने करवाया, ठीक है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कंडक्टेड बाय द NSO स्टेटेड दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर वुमेन फेल टू 4.2% इन 1920 फ्रॉम द 5.1% इन द 1819। तो 4.2% कब था भैया, 19-20 में था बेटा लोग, है ना बच्ची लोग, और 5.1% कहाँ था, तो 18-19 में था, है ना। तो ये आपके सामने है और हम देख भी रहे ना, हमारी बच्चियां यहाँ पे देखो लाइव क्लास आती है बेचारी, मतलब बच्चियां पढ़ती हैं सुबह सुबह, रात में भी आती हैं पढ़ती हैं, लड़कियां भी अब आगे बढ़ रही हैं और समाज में अच्छे मुकाम पर जा रही हैं। आप देखेंगे तो एक टाइम तो ऐसा था, मतलब कि मैंने देखा कि ICICI बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, SBI हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, इलाहाबाद बैंक हो, सबकी चेयरपर्सन महिलाएं थी। एक समय था अंजलि भट्टाचार्य थी, शिखा शर्मा, चंदा कोचर, और मतलब सारे बैंक की वो महिलाएं ही थी। तो बढ़िया था, ठीक था। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट तो हमने आपको दे दिया।
द एनएसओ इज अ विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैट्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. तो मतलब एनएसओ जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है. तो ये भी याद रखिएगा. हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है. अच्छा, यहां पर मैंने आपको क्या दिया है, यहां पर मैंने आपको मंथ वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिया है. और आपको फोकस कहां पे करना है, आपको इस फोकस पे यहां पे इंडिया वाले पे करना है फोकस, ठीक है. देखो मंथ वाइज WPI याद करना पड़ेगा आपको, मंथ वाइज CPI आपको याद करना पड़ेगा, मंथ वाइज GST कलेक्शन आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा मंथ वाइज UPI का डेटा देख लेना किसने ट्रांजेक्शन का, और थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है. ये सब तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन. अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लैरिकल का पैटर्न लास्ट ईयर का देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बने हैं. तो आपको जून मतलब जनवरी से लेकर जून तक का अनएम्प्लॉयमेंट याद होना चाहिए, मेरे हिसाब से जरूरी करना है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अब बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी की, यानी रिपोर्ट और इंडिसेस पे हमने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है. बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी में कौन कौन से पॉइंट हमारे पास आएंगे आइए देखते हैं दोस्तों. यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड DICGC बिल इंश्योरिंग ₹5 लाख फॉर द डिपॉजिटर्स इन द 90 डेज. तो ये तो हम पढ़ी चुके हैं, ये सब चीजें है ना दोस्तों. ये है क्या मतलब बेसिकली, तो DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका बैंक बैंकरप्ट होता है या अगर आपके बैंक के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोराटोरियम लगा देते हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर आपको 5 लाख रुपए की राशि आपको वापस कर दी जाएगी. मतलब मेरी बात समझिए, अगर किसी बैंक में आपका अकाउंट है और वो बैंक डूब जाता है या किसी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, मोराटोरियम लगा दिया उसके ऊपर, और आपका इसमें 1 लाख रुपए है अकाउंट में, तो आपको 1 लाख ही वापस किया जाएगा. 5 लाख नहीं जी, बहुत मार खाओगे, लालच नहीं, ठीक. 2 लाख है 2 लाख रुपए. अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है तो आपको 5 लाख ही वापस किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा. मैक्सिमम अमाउंट है 5 लाख रुपए और 90 दिन के अंदर अंदर आपको वो दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों. तो यूनियन कैबिनेट ने DICGC एक्ट 1961, ये देखो, तो DICGC एक्ट कब आया था, ये एक्ट 1961 में आया था, याद रखना, ठीक. इसमें अमेंडमेंट कर दिया है, अमेंडमेंट क्या किया है वो भी देख लो. ₹5 लाख फंड विद इन 90 डेज टू प्रोवाइड द अकाउंट होल्डर एक्सेस टू अप टू ₹5 लाख. अप टू है, फ्लैट नहीं, अप टू है. तो फंड 90 डेज ऑफ अ बैंक कमिंग अंडर द मोराटोरियम टू इंश्योर टाइमली सपोर्ट टू डिपॉजिटर, ठीक है. हाँ याद रखिएगा. तो रॉकी भाई पूछ रहा कि 499, देखिए रॉकी भाई, आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के 5 लाख से ऊपर नहीं मिलने वाला है आपको, इंटरेस्ट भी उसमें इंक्लूड है, ठीक है, तब 5 लाख मैं बता रहा हूं आपको, ठीक. चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया, तो आपको ध्यान क्या देना दोस्तों, जो नए बच्चे हैं देख लें, आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन. इसका एक्ट आया था 1961 में, ये भी याद रखिएगा, और ये 5 लाख रुपए आपको वापस मिलेंगे 90 डे के अंदर अंदर मिल जाएंगे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. नो एवरीथिंग अबाउट द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, याद रखना, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है. हालांकि हमारे देश में सारी इंश्योरेंस कंपनी IRDAI के अंडर में काम करती है, बट यहां पर एक्सेप्शन है, ठीक. इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है July 15, 1978. ध्यान देना, एक्ट कब आया है, 1961 में आया था, और एस्टैब्लिशमेंट 1978 है, ठीक है. और देख लीजिएगा, एक्चुअली में DICGC जो है ये पहले ऐसी नहीं थी, ये मर्ज हुई है. पहले कंपनी थी डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनको मर्ज किया गया, मर्ज करके डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक. तो देख लो क्या लिखा है, ये RBI के अंडर में काम करती है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया इसके बारे में. इसकी ऑथराइज कैपिटल ₹50 करोड़, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके अंडर में सारे बैंक आते हैं, चाहे सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, मतलब सारे बैंक आते हैं, ये समझना, स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, हर बैंक इसके अंडर में आते हैं, ठीक है. और 5 लाख रुपए आपको मिलेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ मिला जुला के, ठीक. और ये कब मिलेगा, जब बैंक आपका लिक्विडेशन में चला जाएगा, मोराटोरियम में चला जाएगा, बंद हो जाएगा, तब मिलेगा आपको, ठीक है, याद रखिएगा ये भी पॉइंट, ठीक है. और MD पात्रा इस समय चेयरमैन है, मतलब DICGC का हमेशा चेयरमैन कौन होता है बेटा, हमेशा इसका चेयरमैन कोई ना कोई डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही होता है. राइट नाउ MD पात्रा इसके चेयरमैन है. ये सब हम पढ़ाते हैं आपको अपने पेड कोर्सेज में भी, जब हमारे पेड कोर्स आप लेते हो, तो अगर आप हमारी क्लास पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा RBI के सब्सिडरीज, तो मैं आपको काफी डीप में पढ़ाता हूं यहां पे, ठीक है. चलिए वॉल्यूम इंक्रीज कर दें, आप कितना इंक्रीज करें जी, चलो
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो बिजनेस फाइनेंस में हमने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने DICDC एक्ट 1961 में अमेंडमेंट करके आपके लिए 5 लाख रुपए की राशि तैयार कर दी है। अगर आपका बैंक डूबता है तो आपको 90 दिन में 5 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फार्म पे। फार्म पे टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट डूडल कार्ड फार्म कार्ड मी इन पार्टनरशिप विद वीजा। अब ये फार्म पे क्या है, ये हमने लास्ट सर्विस के बारे में पढ़ा था। एक्चुअली फार्म पे हमारे देश में एक नियो बैंक है और जो कि आपको कार्ड देता है, डेबिट कार्ड देगा और उस पर कार्ड नंबर नंबर लिखे नहीं होते, कुछ भी नहीं लिखा होता फार्म पे। तो फार्म पे ने भारत और फार्म पे बेसिकली ये एक नियो बैंक है जो कि मतलब टीन एजर्स को फोकस करता है, इन पर फोकस करता है, इनके लिए बैंकिंग टेक्नोलॉजी रखता है। तो फार्म पे ने भारत का पहला डूडल कार्ड लॉन्च किया, फार्म कार्ड मी, ये नाम याद रखना, इन द पार्टनरशिप विद द वीजा। अब ये डूडल कार्ड का मतलब क्या है, मैं आपको सिंपली बोलता हूं दोस्तों। आप लोगों ने गूगल डूडल देखते हो गया, आप लोग मतलब जब गूगल का आप पेज खोलते हो तो गूगल कई तरीकों से नहीं कभी चेंज हो जाता है। जब कोई फेमस पर्सनालिटी उनकी मृत्यु होती है उनकी याद में उनकी इमेज बना देता है डूडल, आप लोग जानते हैं। तो डेबिट कार्ड पर डूडल बना होगा। डूडल का मतलब क्या होगा, आप बैंक को बोलो तो बैंक आपकी स्केच को दिखा देगा, मैंने इसके बारे में मतलब सर्च किया नेट पर, या आपका फोन नंबर या आपका कोई फेवरेट चीज है उसके इमेज। तो डूडल कार्ड है ये, फार्म कार्ड मी इन पार्टनरशिप विद द वीजा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे तो फार्म पे हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट वीजा प्रीपेड कार्ड फार्म कार्ड मी फॉर टीनेजर विद द पर्सनलाइज्ड डूडल्स ऑन इट। देखो ये भारत का पहला वीजा प्रीपेड कार्ड है फार्म कार्ड मी। फार्म पे एक नियो बैंक है, इसकी ब्रांचेस आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन ये डेबिट कार्ड अपना निकालता है। और डेबिट कार्ड का मतलब डेबिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड, डेबिट कार्ड प्रीपेड कार्ड बराबर ही है एक तरह से। तो फार्म पे ने लॉन्च किया है भारत का पहला फर्स्ट वीजा प्रीपेड कार्ड फार्म कार्ड मीन फॉर टीनेजर्स विद पर्सनलाइज्ड डूडल ऑन इट, फॉर टीनेजर्स है ना, एंड पर्सनलाइज्ड डूडल ऑन इट, ये देख लेना। यहां पे फार्म पे ने भारत का पहला वीजा प्रीपेड कार्ड निकाला है फार्म कार्ड मीन फॉर टीनेजर विद पर्सनलाइज्ड डूडल ऑन इट, इतना पॉइंट आपको याद रखना। ठीक, तो फार्म पे इज नंबरलेस प्रीपेड कार्ड, इसके जो प्रीपेड कार्ड उस पर कार्ड नंबर नंबर नहीं होता उस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो टीन्स कैन मेक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पेमेंट यूजिंग द फार्म कार्ड एंड द फार्म पे एप्लीकेशन विदाउट द नीड टू सेट अप अ बैंक अकाउंट। तो मतलब यहां पर कोई बैंक अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे मतलब फार्म कार्ड में पेमेंट कर सकते हो। कैसे करना होगा, आप फार्म पे ऐप पर जाइए। फार्म पे ऐप पर जाने के बाद आपको यहां पर एक वॉलेट में पैसे डालने होते हैं। वॉलेट में पैसे डालने के लिए आपको अपना डेबिट कार्ड यूज करना पड़ेगा। एक बार आपने पैसे डाल दिए फिर आपको किसी अलग अकाउंट की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती है। ठीक है, और इसका फार्म पे का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटका में। फिर समझ लो कैसे काम करता है। फार्म पे एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर ली मोबाइल में। अब फार्म पे एप्लीकेशन बस क्या करता है, ये वर्चुअल आपको दे देगा एक वॉलेट एक तरह का। इसमें आप पैसे कहाँ से डालोगे, अपने मम्मी के या पापा के डेबिट कार्ड से पैसे यहाँ पे डाल दिए, पैसे यहाँ पे पड़े हुए हैं, वो आपका एक तरह से वर्चुअल अकाउंट हो गया। पैसे पड़े आपको जैसे भी ट्रांजेक्शन करने आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, ये न्यूज जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन बैंक को अलाउ किया है टू पार्टिसिपेट इन द सेंट्रल पेमेंट सिस्टम RTGS एंड NEFT। दोस्तों मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, ठीक है, ये चीज हमने आपको पहले ही पढ़ाई हुई। यहाँ पे नॉन बैंक का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉन बैंक का मतलब हम बात कर रहे हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कंपनीज की। देखें दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर, है ना, नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर मतलब कि प्रीपेड पेमेंट कंपनीज, दो यहां पे लिखा है इंक्लूडिंग प्रीपेड पेमेंट्स इश्यूअर। तो RBI ने अलाउ कर दिया है नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर इंक्लूडिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कार्ड नेटवर्क एंड व्हाइट लेबल ATM टू कार्ड नेटवर्क एंड व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स टू बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सेंट्रल पेमेंट सिस्टम लाइक RTGS एंड NEFT। इस पर हम MCQs भी कर चुके हैं, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रॉपर अभी इस पर अप्रूवल दिया, ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश में पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर, कार्ड नेटवर्क कंपनी, व्हाइट लेबल ATM कंपनी, इन सबको अप्रूवल दे दिया कि आप RTGS और NEFT में अप्लाई मतलब काम कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाइट लेबल ATM मेंशन है, ध्यान देना इसको मत भूलना। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने ड्यूरिंग द क्रेडिट पॉलिसी रिव्यू ऑफ जून
हैड अनाउंस द कस्टमर वुड बी एबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द 24। मतलब ये वही है, पहले इंफॉर्मेशन दे चुके हैं पहले ही आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। आप जब कोई फंड ट्रांसफर करते हैं इंटरनेशनली, वहां पे स्विफ्ट का रोल आता है, आपको बताइए। तो स्विफ्ट लॉन्चेस फास्ट एंड द कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस स्विफ्ट गो फॉर द लो वैल्यू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो स्विफ्ट ने क्या किया, स्विफ्ट ने कम मूल्य के सीमा पार से भुगतान के लिए तेज और लागत प्रभावी सेवा स्विफ्ट गो लॉन्च की है। यानी स्विफ्ट ने एक तरह का, मतलब आप कह सकते हो कि पोर्टल तो नहीं बोलेंगे, एक तरह का गेटवे लॉन्च किया, एक तरह का क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए, जिसके थ्रू, मतलब स्विफ्ट गो का नाम होगा, जिसके थ्रू आप लो वैल्यू ट्रांजेक्शन फास्टली कर पाएंगे। तो यहां पे स्विफ्ट ने लॉन्च किया है स्विफ्ट गो, पहले तो याद कर लो, स्विफ्ट ने लॉन्च किया स्विफ्ट गो, ट्रांसफॉर्मेटिव न्यू सर्विस दैट इनेबल स्मॉल बिजनेसमैन एंड कंज्यूमर टू सेंड फास्ट प्रेडिक्टेबल हाईली सिक्योर एंड कॉम्पिटेटिव प्राइस लो वैल्यू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड डायरेक्ट फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट। यानी कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट का यूज करना चाहते हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट का यूज करेंगे, और लो ट्रांजेक्शन आपके जो होते हैं, मतलब अगर आप स्मॉल बिजनेसमैन हैं, कंज्यूमर्स हैं, तो क्रॉस बॉर्डर का मतलब देश के बाहर, इंडिया से बाहर आप यूएसए में फंड ट्रांसफर इसके थ्रू कर सकते हैं, स्विफ्ट गो इसका नाम होगा, ठीक है। ये आज का करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्विफ्ट ने लॉन्च किया है स्विफ्ट गो। जो बच्चे नए हैं तो समझ ले बेटा, स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये इंटरनेशनली फंड ट्रांसफर के लिए हेल्प करता है, और इसने स्विफ्ट गो लॉन्च किया है ताकि सस्ते रेट पर और लो वॉल्यूम के ट्रांजेक्शन हम कर पाए, फास्टली कर पाए स्विफ्ट गो के थ्रू। इतना पॉइंट हमारे पास है, ठीक है। देखो स्विफ्ट अबाउट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 1973 में इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, और जेवियर पेरिस तासो इसके सीईओ है राइट नाउ। अभी आप चाहें तो सीईओ का नाम स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इनका कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हेडक्वार्टर आपको याद रखना जरूरी है, जो आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है। फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले स्विफ्ट ने एक और अपना प्रोडक्ट निकाला था, स्विफ्ट जीपीआई, आपको याद होगा मेरे ख्याल से, है ना। और आईसीआईसीआई बैंक हमारे देश का, हमारे पूरे एशिया पैसिफिक का पहला बैंक, और ग्लोबल लेवल पर दूसरा बैंक बना था जिसने कि स्विफ्ट जीपीआई का यूज किया था, आपको याद होगा। तो स्विफ्ट जीपीआई एक पॉइंट याद रखना है आपको, एंड स्विफ्ट गो एक पॉइंट आपको याद रखना है। ये दो नए प्रोडक्ट हैं, दोनों पर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सिस बैंक के ऊपर 5 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है, यही न्यूज हमारे पास है, केवल पेनाल्टी की न्यूज हमारे पास है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सिस बैंक के ऊपर 5 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है, एक तो पॉइंट ये है, ठीक है। और ये पेनाल्टी लगाई है अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 47 एंड द सेक्शन 46 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं आएगा, चिंता मत करना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सिस बैंक के ऊपर 5 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है, ये हमने आपको बताया, बस एक पॉइंट याद रखेगा। एक्सिस बैंक हेडक्वार्टर मुंबई, अमिताभ चौधरी इज द सीईओ, फाउंडेड 1993 एंड बढ़ती का नाम जिंदगी टैगलाइन है एक्सिस बैंक की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने आपको पेनाल्टी की पूरी लिस्ट दी है, ये न्यूज देने का ये फायदा ये होता है कि आपको पूरा रिवीजन यहाँ पर आपका अच्छे से हो जाता है, आप देख लीजिएगा, रिवीजन कर सकते हैं आप लोग, पूरा हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, मैंने बोला था कि आज का करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्टेड 24,356 करोड़ रुपीज ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट लेइंग विद द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। दोस्तों, अगर किसी बैंक में, किसी अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ और पड़े पड़े 10 साल हो गए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनक्लेम्ड अकाउंट, और जिसका किसी ने कोई क्लेम नहीं किया। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि हमारे देश में टोटल बैंकिंग सिस्टम में 24,356 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़े हुए हैं, ठीक है। देखें यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंफॉर्मेशन दी है दैट टोटल अमाउंट ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वॉज रुपीज 24,356 करोड़ रुपीज। हाँ, 24,356 करोड़ रुपीज, और ये कब तक की बात हो रही है, ये 31/12/2020 की बात हो रही है, 31/12/2020 तक का डेटा आपको यहां पे हम बता रहे हैं यहां पे, ठीक है। अभी मतलब यहां पे हम लोगों ने जनवरी फरवरी मार्च की बात नहीं की है, मतलब 2021 का भी काउंट हमने कुछ नहीं किया, जबकि जुलाई चल रहा है अभी, है ना। तो केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
दिसंबर तक की इंफॉर्मेशन दी लास्ट ईयर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से 31 दिसंबर 2020 तक हमारे टोटल टोटल बैंकिंग सिस्टम में 24,356 करोड़ रुपए अनक्लेम डिपॉजिट पड़े हुए हैं. ठीक है, देखो, दिस वॉज स्टेटेड बाई द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस डॉक्टर भागवत किसान राव कराड़ इन राज्यसभा. ये इन्फॉर्मेशन राज्यसभा में हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बने हैं डॉक्टर भागवत किसान राव कराड़, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि बैंकिंग सिस्टम में इतना पैसा जो है वो अनक्लेम डिपॉजिट का पड़ा हुआ है. ठीक है, चलिए, वॉट आर अनक्लेम डिपॉजिट? तो अनक्लेम डिपॉजिट का मतलब होता है ये वो डिपॉजिट होते हैं वेयर द प्रोसीड मैच्योरिटी अमाउंट हैज नॉट बीन क्लेम फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years और मोर. जिनको 10 साल या उसके ऊपर क्लेम नहीं किया गया उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनक्लेम डिपॉजिट बोलते हैं. दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी थी, यहाँ पे आपको याद है, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनक्लेम्ड मैच्योर डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया था. याद है आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला था कि आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो या तो सेविंग अकाउंट के बराबर मिलेगा या फिर जो हम बताएंगे वो मिलेगा. आपको शायद याद होगा मैंने पढ़ाया था, लिखा था यहाँ पे क्या लिखा है, एज पर द रिवाइज गाइडलाइंस सच अनक्लेम्ड टर्म डिपॉजिट विद अर्न एन इंटरेस्ट रेट एज एप्लीकेबल टू सेविंग अकाउंट और टू कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द मैच्योर टर्म डिपॉजिट व्हिचएवर इज लो. ये कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द मैच्योर टर्म डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस तरह से बोला, बोल देंगे, देखिए जैसे मान लीजिए किसी बंदे ने 5 साल के लिए एफडी कराया, अब उसके लिए पैसा लिया ही नहीं, ठीक, तो रिजर्व बैंक क्या बोलेगा कि भाई 5 साल के बाद अगर इसे नहीं कर रहा है, ठीक है, ये 10 साल तक इसने नहीं किया तो ब्याज तो हमें देना पड़ेगा, 10 साल में क्या हो जाएगा, अनक्लेम हो जाएगा. तो फिर जैसे 11वें साल क्या होगा, अगर इसको ब्याज मिल रहा था मान लो 6% मिल रहा था तो 5 कर देगा आरबीआई, 12वें साल इसको 4 कर देगा, 13वें साल इसको 3 कर देगा ब्याज इस पर, 14वें साल इसको 2 कर देगा. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला या तो सेविंग अकाउंट के बराबर मिलेगा या जो हम तय करेंगे वो मिलेगा आपको, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको. ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं बिजनेस न्यूज की यहां पर. ठीक है, देखें तो किंग चिली राजा मिर्चा फ्रॉम नागालैंड एक्सपोर्टेड टू लंदन फॉर द फर्स्ट टाइम. इसे हम किंग चिली क्यों बोलते हैं राजा मिर्चा को, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज्यादा तीखा मिर्च होता है. किंग चिली या राजा मिर्चा फ्रॉम नागालैंड एक्सपोर्टेड टू लंदन फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है दोस्तों, तो यहां पे तो क्या बोला गया, मतलब हमारे देश में इट इन अ मेजर बूस्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ GI product from the northeastern region, a consignment of the Raja Mircha, also referred a king chili from Nagaland was exported to London via Guwahati by air for the first time. इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना समझ लो कि मतलब नॉर्थ ईस्ट में हम लोग नॉर्थ ईस्ट के GI इंडिकेटर्स जो हैं उसको हम एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं. उसमें पहली पहल क्या है कि पहला कंसाइनमेंट राजा मिर्चा का नागालैंड से वो कहाँ भेजा गया, लंदन भेजा गया. राजा मिर्चा की खेप जिसे नागालैंड से किंग चिली भी कहा जाता है पहली बार हवाई मार्ग से गुवाहाटी के माध्यम से लंदन में भेजा गया. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, द चिली फ्रॉम द नागालैंड इज ऑल्सो प्रेफर्ड टू एज भूत जोलोकिया और घोस्ट पेपर भी से हम बोलते हैं. इसे नागालैंड में ये बात इसके नाम से बताते हैं. इसको 2008 में GI टैग मिल चुका था, GI टैग इसे मिल चुका था. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं रिविजन पॉइंट. ठीक है, तो शाही लीची, इसको भी हमने UK में एक्सपोर्ट किया था, शाही लीची फ्रॉम द बिहार. ड्रैगन फ्रूट फ्रॉम द महाराष्ट्र, इसको दुबई एक्सपोर्ट किया गया था, आपको याद होगा मेरे ख्याल से. असम का बर्मीज ग्रैप्स जो है अंगूर, उसको दुबई के लिए एक्सपोर्ट किया गया था. फाजिल मैंगो फ्रॉम द मांडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, इसको बहरीन के लिए हमने एक्सपोर्ट किया था. और इंडिया का पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पे खुला, पुणे में. एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी आपको दे रहे हैं. ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेशनल न्यूज की. और यहां पर हम बात करने वाले हैं आपसे, देखिए तो कल ये इन्फॉर्मेशन थी हमारे मतलब हमने मैंने देखा था फेसबुक पर भी इसके बारे में काफी कमेंट पड़े थे. गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 27% रिजर्वेशन फॉर द OBC एंड 10% रिजर्वेशन फॉर द EWS इन द मेडिकल कॉलेज एडमिशन. तो भारत सरकार ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पर OBC को 27% कोटा और EWS को 10% कोटा अप्रूवल दिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड रिजर्वेशन फॉर द OBC एंड द EWS स्टूडेंट इन ऑल इंडिया कोटा फॉर द मेडिकल एडमिशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. नाउ फॉर एडमिशन टू बोथ ग्रेजुएट मतलब MBBS BDS
या पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें एंड डिप्लोमा लेवल की बात करें, जितने भी मतलब लेवल्स होते हैं मेडिकल की पढ़ाई में, उसमें अदर बैकवर्ड क्लास को अब 27% और EWS को 10% का भी रिजर्वेशन मिलेगा। यानी अगर देखा जाए ध्यान से, अंडर द ऑल इंडिया कोटा 15% रिजर्वेशन इज ऑफर टू SC, 7.5% टू ST। यानी 15% हम दे रहे हैं रिजर्वेशन किसको, SC को, 7.5 दे रहे हैं किसको दे रहे हैं, ST को दे रहे हैं। उसके बाद आपका 27% हमने दे दिया किसको, OBC को, एंड 10% EWS को। बहुत ही मुश्किल है भैया। चलो ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया, देख लीजिएगा इसको। तो पूरी इंफॉर्मेशन देख लीजिए, अगर आप ध्यान से देखें यहां पे, तो हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दे रहे हैं, 27%, 10%, ठीक, उसके बाद आपका 15% हो गया और 7.5 हो गया आपका। आप जोड़ लो यहां पे कितना बचा है ना, तो सही है, आगे बढ़ते। चलो तो ये इंफॉर्मेशन दोस्तों आगे बढ़े। इसके बाद गवर्नमेंट प्रपोजेस टू सेटअप NRF टू स्ट्रेंथन द रिसर्च इकोसिस्टम। तो भारत सरकार अनुसंधान परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए NRF स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। गवर्नमेंट प्रपोजेस टू, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, देख लेना यहां पर थोड़ा सा। देखो, द गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू सेटअप अ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू स्ट्रेंथन द रिसर्च इकोसिस्टम इन इंडिया। सरकार ने भारत में अनुसंधान परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। रिजर्वेशन पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनको रिजर्वेशन चाहिए, जिनको पसंद है और ये बात उनके फेवर में, और ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए ये शायद गलत है। फिलहाल हम और आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम तो इसके लिए नहीं जा रहा, बिकॉज हम इसके ऊपर जा चुके हैं, हमारा तो काम खत्म हो चुका है, वहां पर टाइमिंग खत्म हो चुकी है। मेरे हिसाब से रिजर्वेशन देश में होना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन देश में होना चाहिए EWS के आधार पर, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आधार पे, मतलब मेडिकल कॉलेज एंड मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग कॉलेज है उस सब में, मतलब चाहे आप SC हो, चाहे ST हो, चाहे आप OBC में आते हो, चाहे आप जनरल में आते हो, आप EWS है, आपको मिलना चाहिए रिजर्वेशन। और ये समय की मांग भी है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि मतलब देश में प्राइवेटाइजेशन होगा तब भी रिजर्वेशन उतना काम नहीं करेगा, है ना। तो सरकारी तंत्रों में क्या है कि थोड़ा सा मतलब रिजर्वेशन पर फोकस्ड है। हमारे देश में है SC ST लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो बहुत पिछड़े हैं, जिनको समझ लाना है, ठीक है, तो वो और सेक्टर्स में ठीक है, लेकिन मेडिकल कॉलेज, मेडिकल की हम बात करते हैं या फिर हम IIT की बात कर लें, तो वहाँ पर हमें EWS पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना सोच है और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये क्या है फिर देख लो यहाँ पे, तो भारत सरकार ने प्रपोज किया है टू सेटअप अ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू स्ट्रेंथन द रिसर्च इकोसिस्टम इन इंडिया, ठीक, आगे बढ़ते हैं। NRF इज बीइंग इनवाइज्ड एज एन अम्ब्रेला, और हाँ ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद PMT की तैयारी कर चुका हूं ड्यूरिंग द माई 12th, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। मेरी रैंक 8735 आई थी, मुझे प्राइवेट कॉलेज के BDS मिल रहे थे। आपको बताएं, मेरा दोस्त था, उसकी रैंक करीब 9001 आई थी, उसको मिला था PMT गवर्नमेंट कॉलेज में, मेरा रूम पार्टनर तो नहीं बोलेंगे, मेरे रूम में बगल में रहता था, तो ऐसा हुआ था। तो मतलब मुझे लगता है कि PMT में या तो आप सीट्स ज्यादा बढ़ाओ, सीट्स कम होती हैं, फाइट ज्यादा होता है, कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है, उसमें दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। तो NRF इज बीइंग इनवाइस एज एन अम्ब्रेला स्ट्रक्चर दैट विल इंप्रूव लिंकेज बिटवीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अकेडमिया एंड इंडस्ट्री। सुन लो ध्यान से, तो NRF को एक छत्र, मतलब MRF जो है ये अम्ब्रेला स्ट्रक्चर होगा, जो कि मतलब लिंकेज करेगा हमारे देश में इंडस्ट्री और अकेडमिक के बीच में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। फिर यहां पर देख लो, समझ लो बात, भारत सरकार क्या बोल रही है कि हम एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे ताकि हमारे देश में रिसर्च का जो इकोसिस्टम है बढ़े, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत पीछे है, चाइना से तो बहुत ही पीछे हैं हम लोग, है ना। और कैसे काम होगा, तो NRF क्या करेगी, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, हमारे देश में इंडस्ट्री लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे, जहां भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उसको ये लिंकअप करेगी, ताकि बेहतर रिजल्ट हमारे देश में मिले हमको, ठीक है। और टोटल प्रपोज्ड आउटले फॉर NRF इज 50,000 करोड़ रुपीज फॉर 5 ईयर। तो टोटल प्रपोज्ड आउटले मतलब इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, तो ये बात हमने देख लिया, समझ लीजिएगा, ठीक है, 50,000 करोड़ रुपीज। हम आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे भारत सरकार क्या एस्टैब्लिश कर रही है उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दी। अब आगे बढ़ते हुए हम क्या बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
विल सेटअप द सेंटर फॉर बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन पॉइंट. मैंने आपको 3-4 दिन पहले ही पढ़ाया था ये. ठीक, और देख लीजिए. तो भारत सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप द नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट, कहाँ पे, IIT बॉम्बे के साथ. आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था ये. ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज बना रही है, कहाँ पे, नोएडा बना रही है. ये भी आपको पढ़ाया गया है. ठीक है, ये कुछ अनाउंसमेंट है. चलिए दोस्तों, इसके बाद आते आगे बढ़ते हैं. तो हमारी गवर्नमेंट से राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा गया कि आपने COVID-19 में कितना पैसा खर्च किया. तो भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि 29.87 लाख करोड़ रुपीज हमने खर्च किए हैं अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज एज अ रिलीफ फॉर सेवरल सेक्टर. टोटल 29.87 लाख करोड़ रुपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खर्च किए. हालांकि इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी अपने अमाउंट है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टाइम टाइम पर TLTRO, LTRO, SLTRO आपने पढ़ा है, ये सब जो किया है उसका भी अमाउंट इसमें ऐड किया गया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि COVID-19 के टाइम पर हमने इतना पैसे खर्च किए, 29.87 लाख करोड़ रुपीज. दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट ये होता है. ठीक है, देखे मेरी बात समझे, ये पूरा इंग्लिश में है, दिक्कत ना हो हिंदी बच्चों को. तो देखो यहां पे लोकसभा की बात हो रही है. इन रिटन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन इन द लोकसभा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सोम प्रकाश जी ने इंफॉर्मेशन दी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 29.87 लाख करोड़ रुपीज खर्च किए. ठीक है, देख लीजिए, लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश जी ने बताया है कि सरकार ने कई क्षेत्रों में राहत देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज में 29.87 लाख करोड़ रुपीज खर्च दिया, मतलब अमाउंट दिया. कैसे दिया ये देख लीजिए यहाँ पे. तो यहाँ पे हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से लेकर कि कैसे पूरे पैसे. तो देख लो यहाँ पे, ये पूरा टोटल अमाउंट हमारा आ रहा है 2987641. पूरा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, लाइक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इतना अमाउंट, आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.2 में इतना अमाउंट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज अन्य योजना जो 5 मंथ के लिए एक्सटेंड हुआ उसमें इतना अमाउंट आ गया हमारा, आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 की बात करें 7 ये अमाउंट हो गया, इसे हमने ऐड किया प्लस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेजर्स हमने ऐड किया तो इतना अमाउंट हमारा आ गया. ये आपको हमने दिखा दिया. ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेटअप गरिमा गृहस फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन टू प्रोवाइड सेफ शेल्टर. तो भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए गरिमा गृह स्थापित करेंगे. ठीक है, देखिए दोस्तों, तो केंद्र सरकार ने एक मतलब एक इनिशिएटिव लिया है कि वो गरिमा गृह लॉन्च करेंगे फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन. ठीक है, द गरिमा गृह फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन इज बींग सेटअप विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस. मतलब हमारे देश में जो NGOs काम कर रहे हैं या SHGs काम कर रहे हैं या फिर म्यूनिसपैलिटीज की बात करें लोकल, उनसे हेल्प करके हमारे देश में हर शहरों में गरिमा गृह बनाए जाएंगे जो केवल ट्रांसजेंडर्स के लिए होंगे. ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेटअप गरिमा गृह फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन टू प्रोवाइड सेफ शेल्टर. ठीक है, चलिए, सच शेल्टर होम्स हैव सेटअप इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एंड ओडिशा. इतने राज्यों में ये शेल्टर बनाए जाएंगे, आपको स्टेट का ये पढ़ने की जरूरत नहीं है. इसमें इंपॉर्टेंट है गरिमा गृह, ये शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा जो कि आपको याद रखना. ये शेल्टर कहां बनाए जाएंगे बिल्कुल आपके एग्जाम में नहीं आएगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसजेंडर को शेल्टर देने के लिए कौन सा गृह बनाएंगे, तो गरिमा गृह, ऐसे याद कर लीजिएगा, बस काम आपका हो जाएगा. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है, ए नारायण स्वामी जी बने हैं, देख लीजिएगा इस पॉइंट को. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसके पहले केंद्र सरकार ने बोला था कि हम ट्रांसजेंडर को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए 1500 रुपए देंगे, ये भी आपको हमने पढ़ाया हुआ है. ठीक है, इसके अलावा नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थवरचंद गहलोत जी ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया था, नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस इनके लिए. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं MOUs और एग्रीमेंट की. चलिए, अमेजन इंडिया और इनक्रेट ज्वाइन हैंड टू ऑफर द क्रेडिट टू ई कॉमर्स रिटेलर्स. तो अमेजॉन इंडिया और इनक्रेड की बात कर लें, ई कॉमर्स रिटेलर्स को क्रेडिट देने के लिए हाथ मिलाया है. ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ई कॉमर्स रिटेलर्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जैसे मान लो मैं अपनी बात करता हूँ, मान लीजिए मैं बनाता क्या हूँ, मैं ये मास्क बनाता हूँ. ठीक है, और मुझे इसे अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पर बेचना है. अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पर बेचने के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उसके लिए मुझे चाहिए पैसा, तो मुझे इनक्रेड देगा पैसा.
ठीक है, ये है। तो अमेजन इंडिया और इनक्रेड ने आपस में हाथ मिलाया टू ऑफर क्रेडिट टू द ई कॉमर्स रिटेलर्स। देखें यहाँ पे इनक्रेड हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द अमेजन इंडिया टू प्रोवाइड कोलैटरल फ्री, मतलब विदाउट सिक्योरिटी। वर्किंग कैपिटल लोन का मतलब मैं कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वर्किंग कैपिटल का मतलब डे टू डे पैसे के लिए। अप टू ₹50 लाख टू अमेजन मर्चेंट विया इट्स सेलर पोर्टल। सिंपल सी बात है। तो अगर आपको अमेजन के पोर्टल पे अपना प्रोडक्ट सेल करना है लेकिन आपको कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आपको इनक्रेड जो है वो पैसा देगा और इसका मैक्सिमम अमाउंट ₹50 लाख तक हो सकता है। तुम्हारे एग्जाम में कभी यहां से क्वेश्चन नहीं बनते, तुम्हारे एग्जाम में मेन पॉइंट पर ही क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये था। ठीक है, अमेजन इनकॉर्पोरेशन की बात कर लें, इसके प्रेसिडेंट सीईओ और चेयरमैन राइट नाउ कौन बन गया है, एंडी जैसी बन गए। हेडक्वार्टर सिएटल वॉशिंगटन, जेफ बेजोस जो है वो तो है हट गए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ रीजन पॉइंट है, जैसे अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने अमेजन के साथ एग्रीमेंट किया था टू सेट अप इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग लैब। एक देख लो भैया, ठीक, अमेजन इंडिया अनाउंस द लॉन्च ऑफ एन इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट टू लर्न अप्लाइड मशीन लर्निंग स्किल। अमेजन इंडिया ने हमारे जो स्टूडेंट हैं मशीन लर्निंग स्किल को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम भी लॉन्च करने की बात बोली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटजिक कोलैबोरेशन विद द अमेजन वेब सर्विसेज, ये भी देख लीजिएगा। एक्सिस बैंक हैज सिलेक्टेड अमेजन वेब सर्विसेज टू एक्सेलरेट इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट पॉइंट तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट रिविजन पॉइंट है, हमने दिखा दिया आपको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पार्टनर्स विद द IBM फॉर द डिजिटल एंड IT ट्रांसफॉर्मेशन। यानी बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने आप को पूरी तरह से डिजिटली और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपने आप को पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसने IBM से एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और IBM, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बेसिकली मेन मुद्दा क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन मतलब IBM और बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलिए बैंगलोर, इसने अपने आप को पूरी तरह से जो इसका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए IBM को कॉन्ट्रैक्ट इसने दिया है। सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा मतलब है, और कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अबाउट द IBM के IBM का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। राइट नाउ IBM के चेयरमैन कौन है, अरविंद कृष्णा जी। तो ये दो पॉइंट याद कर लेंगे, ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने के लिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिवीजन पॉइंट। इसके पहले IIT मद्रास हैज अनाउंस अ कोलैबोरेशन विद IBM ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, IIT मद्रास एंड IBM। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी IBM से एग्रीमेंट किया है, इसके अलावा गोवा गवर्नमेंट ने भी IBM से एग्रीमेंट किया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने IBM से एग्रीमेंट किया है फॉर द गर्ल एजुकेशन और गोवा चाहता है, गोवा की जो यूथ है कि चाहता है कि IBM उनके यहां स्किल डेवलप करे बच्चों के और जॉब प्रोवाइड करवाए उनको। ठीक है तो ये देख लीजिएगा। चलिए रिसेंटली IBM अनविल 2 नैनोमीटर चिप टेक्नोलॉजी फॉर फास्टर कंप्यूटिंग। ये पहली बार ऐसा हुआ कि 2 नैनोमीटर का चिप बनाया है किसी ने, IBM ने मतलब। ठीक है, जिम Whitehurst has announced he is stepping down as the president of the IBM. ये भी आपको पता है, revision point में पढ़ा है हमने। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे award and honors की, और award and honors में आपको information दे रहा है। 3 Indian SME का मतलब क्या हो गया, small medium enterprises, 3 भारत की small and medium enterprise among the UN winners for the best small business of good food for all, सभी के लिए अच्छा भोजन के सर्वश्रेष्ठ लघु व्यवसाय की बात करें तो UN ने मतलब कुछ लोगों को मतलब अवार्ड दिया जिसमें भारत के 3 SME चुने गए। UN का एक अवार्ड सेरेमनी होता है गुड फूड फॉर ऑल, ये देख लीजिए, इसके लिए भारत के 3 SME को चुना गया। यहां पे देखिए, 3 इंडिया बेस्ड स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस हैव वन द यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट कॉम्पिटिशन बेस्ट स्मॉल बिजनेस ऑफ गुड फूड फॉर ऑल। तो भारत में स्थित 3 छोटे और मध्यम आकार के उद्यम ने संयुक्त राष्ट्र फूड सिस्टम समिट प्रतियोगिता में बेस्ट स्मॉल बिजनेस ऑफ गुड फूड ऑफ ऑल का अवार्ड जीता है। ठीक है, यानी अवार्ड का नाम क्या है, बेस्ट स्मॉल बिजनेस ऑफ गुड फूड फॉर ऑल। ये कौन होस्ट करता है, यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट, और इंडिया के 3 SME ने अवार्ड जीता है। ठीक है, पहला है एडिबल रूट्स प्राइवेट लिमिटेड,
दूसरा है ऊर्जा डेवलपमेंट सॉल्यूशन इंडिया, और तीसरा है तरु नेचुरल्स। इन तीनों को चुना गया है, तो ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर संजय राय शेरपुरिया, ऑनर्ड एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर द SDG चौपाल। अब ये इसका मतलब क्या है, सुनना बहुत ध्यान से सुनो। देखो, WHO, नीति आयोग और MSME मिनिस्ट्री मिलकर एक व्यक्ति को चुनती है जो कि मतलब सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। सुनना बहुत ध्यान से, WHO, नीति आयोग एंड MSME मिनिस्ट्री ऑनर्ड श्री संजय राय शेरपुरिया बाई अपॉइंटिंग हिम द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर हिज कमेंटेबल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो यहाँ पे दोस्तों, सोशल एंटरप्रेन्योर संजय राय शेरपुरिया ऑनर्ड एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर SDG चौपाल, वही बात हो रही है। सॉरी, देखिए, WHO, नीति आयोग और MSME मिनिस्ट्री ने ऑनर किया, सम्मानित किया श्री संजय राय शेरपुरिया को। इन्हें अपॉइंट किया गया है नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर हिज कमेंडेबल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इतना याद रखेगा। यहाँ पे रीजन पॉइंट हमारे पास और भी है, बट टाइम की थोड़ी कमी है, न्यूज ज्यादा है दोस्तों। ये PDF में इन्फॉर्मेशन रहेगी, इसे आप देख लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा, जरूरी कर लीजिएगा। ये हम आपको बड़े प्यार से बनाकर देते हैं, इसीलिए इसमें टाइम भी लगता है कि आपका रिविजन होता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक्विजिशन एंड मर्जर। दोस्तों, लद्दाख गेट RBI नॉट टू एक्वायर 8.23% स्टेक इन द जम्मू एंड कश्मीर बैंक। यानी जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो आप देख पा रहे हो, अब इसमें लद्दाख जो गवर्नमेंट है, लद्दाख गवर्नमेंट, उसका 8.23% शेयर रहने वाला है। लद्दाख गेट RBI नॉट टू एक्वायर 8.23% स्टेक इन द जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ UT लद्दाख को अप्रूवल दे दिया है कि वो एक्वायर कर सकते हैं 8.23% स्टेक किसमें, जम्मू एंड कश्मीर बैंक में। तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया, ये देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अबाउट लद्दाख, ले कारगिल कैपिटल, आर के माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो ये भी रिवीजन पॉइंट है, इसे भी देख लेंगे दोस्तों, थोड़ा सा हमने टाइम कम है हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। अब डिफेंस न्यूज की बात करते हैं दोस्तों। अगर हम राफेल की बात करें, राफेल तो राफेल जो हमारे देश में आ रहा है, राफेल के लिए हमारे देश में दो स्क्वाड्रन बन रहे हैं। एक तो अंबाला वाला है, गोल्डन एरो, आपको पता ही है। अब हम दूसरे की बात यहाँ पे करें, ठीक है। देखिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट राफेल इनटू 101 स्क्वाड्रन ऑफ द ईस्टर्न एयर कमांड। यानी हम राफेल के लिए देश के दूसरे स्क्वाड्रन की बात करने वाले हैं, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो, द इंडियन एयरफोर्स हैज फॉर्मली इंडक्टेड राफेल एयरक्राफ्ट इनटू 101 स्क्वाड्रन ऑफ द ईस्टर्न एयर कमांड। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, 101 स्क्वाड्रन ऑफ द ईस्टर्न एयर कमांड एट द हसीमारा एयरफोर्स स्टेशन इन द स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल इंडिया। फिर देख लो, 101 स्क्वाड्रन ऑफ द ईस्टर्न एयर कमांड कहां पे, हसीमारा एयरफोर्स स्टेशन वेस्ट बंगाल में, इंडिया में। 101 स्क्वाड्रन, इसका नाम भी है, एक नाम भी दिखाऊंगा, 101 स्क्वाड्रन ऑफ द ईस्टर्न एयर कमांड। ठीक है, अब देखो दोस्तों, द 101 स्क्वाड्रन इज द सेकेंड इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन। सेकेंड क्यों, पहला अंबाला वाला है, हम बताएंगे उसके बारे में भी। तो 101 स्क्वाड्रन जो है दोस्तों, ये एयरफोर्स का दूसरा स्क्वाड्रन है जो कि मतलब राफेल को इंडक्ट कर रहा है। द स्क्वाड्रन इज टाइटल 101 फाल्कन ऑफ द चाम एंड द अखनूर, ये पूरा नाम है। यानी आपके लिए काम बढ़ने वाला है, पहले तो आपको 101 स्क्वाड्रन याद रखना है, कहां पे, वेस्टर्न एयर कमांड का है ना, वेस्टर्न ही है ना, एक मिनट, ईस्टर्न एयर कमांड का। ठीक है, और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या नाम है, फाल्कन ऑफ चाम और अखनूर। हाँ, ऐसे नाम याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, फाल्कन ऑफ चाम एंड अखनूर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, द इंडियन एयरफोर्स फॉर्मली इंडक्टेड द पहली बार फर्स्ट 5 राफेल मल्टी रोल एयरक्राफ्ट एट द अंबाला एयरफोर्स स्टेशन इन द इंडिया। पहली बार 5 राफेल आए हमारे देश में जिन्हें हमने अंबाला एयरफोर्स में इंडक्ट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दीज जेट्स आर नाउ पार्ट ऑफ द गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन। तो ये हमारे देश में राफेल का पहला स्क्वाड्रन था। अभी हम दूसरे के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम 101 स्क्वाड्रन है। 101 स्क्वाड्रन को हम और क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इसको फाल्कन ऑफ द चाम एंड दखनू। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। स्पोर्ट्स की बात करें हम लोग, तो यहां पे हम बात करेंगे वंतिका अग्रवाल की। वंतिका अग्रवाल बैक्स नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल। वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। दिल्ली की है वंतिका अग्रवाल, इन्होंने मतलब नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल जीता इस बार का भारत का। ठीक है, और अर्पिता मुखर्जी दूसरे नंबर पे रही हैं, और तमिलनाडु की श्रीजा शिशाद्री तीसरे नंबर पे रही हैं दोस्तों।
तो ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की रैंक हमने आपको बता दी है। इसके अलावा हमने आपको चेस का एक रिविजन पॉइंट भी दिया हुआ है, वो देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप जुलाई 30th को सेलिब्रेट किया गया, ठीक। इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप जुलाई 30th, इसकी थीम क्या है? शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप। शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप, ये इसकी थीम है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, स्टेट लेवल न्यूज़ करते हैं। राजस्थान लॉन्चेस निर्यातक बनो कैंपेन टू हेल्प लोकल ट्रेडर्स टेक बिजनेस अब्रॉड। राजस्थान चाहता है कि मतलब राजस्थान के जो लोकल बिजनेसमैन है उनके प्रोडक्ट एंड सर्विस को हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं अब्रॉड में, तो इन सारे बिजनेसमैन को मोटिवेट करने के लिए निर्यातक बनो नाम का कैंपेन चलाया गया। देखो तो राजस्थान, ये पढ़ना नहीं है आपको इस तरह से, ठीक है। राजस्थान सरकार का एक मिशन है, मिशन निर्यातक बनो टू हेल्प लोकल ट्रेडर्स इन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेसेस टू फॉरेन कंट्रीज। यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कौन सा वो स्टेट है जिसने निर्यातक बनो कैंपेन लॉन्च किया है, तो आपको आंसर देना है राजस्थान। सिंपल है, टू हेल्प लोकल ट्रेडर्स इन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस टू फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। अबाउट राजस्थान, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कैपिटल, लार्जेस्ट सिटी आपको बताइए। सिर्फ कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, हमने याद कर लिए होंगे मेरे ख्याल से अभी तक राजस्थान के। आगे बढ़ते हैं, ये कल हम एमसीक्यूज में कर चुके हैं दोस्तों। कर्नाटका बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिजर्व जॉब फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन। तो कर्नाटका हमारे देश का पहला राज्य बना जिसने टू प्रोवाइड 1% रिजर्वेशन, 1% इनको मिलेगा रिजर्वेशन फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज, ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज। एक पॉइंट हमारा ये हो गया, 1% का रिजर्वेशन है, ध्यान देना। अबाउट कर्नाटका, इसके 23वें चीफ मिनिस्टर अभी अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम मत भूलिएगा दोस्तों, थवरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर बन चुके हैं, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, हमने कई बार आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अर्लियर बिहार पुलिस हैज गिवन अ नॉट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रांसजेंडर इन द फोर्स। बिहार पुलिस ने भी ट्रांसजेंडर की अपॉइंटमेंट की बात बोली थी पुलिस फोर्स में, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़े दोस्तों, उबर अपॉइंटेड मिस्टर अमेया विलंकर, अमेया विलंकर एज द हेड ऑफ द मार्केटिंग फॉर इंडिया एंड साउथ एशिया। उबर ने अमेया विलंकर को अपना हेड अपॉइंट किया, हेड ऑफ द मार्केटिंग फॉर इंडिया एंड द साउथ एशिया, अमेया विलंकर, अमेया विलंकर, ठीक। मारुति सुजुकी एंड सावित्री भाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी टाई अप टू ट्रेन यूथ। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अनाउंसमेंट किया है पार्टनरशिप का विद महाराष्ट्र सावित्री भाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी टू ट्रेन यूथ टू ऑटोमोबाइल रिटेल, ठीक है। बस इतना, ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। और कैसी लगी न्यूज आपको बताइएगा मुझे, और PDF आपको मिल जा रही है थोड़ी देर में कमेंट बॉक्स में। और इसके MCQs करने के लिए आपको रात में 10:10 पे आना है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे, हाँ, थैंक यू सो मच।